दोस्तों, क्या आप गूगल पे एप्लीकेशन को यूज करते हैं और आप अपने गूगल पे का यूपीआई पिन भूल गए हैं, या आपको ये पता नहीं कि आपका गूगल पे का यूपीआई पिन क्या है? या कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गूगल पे का यूपीआई पिन किसी को बता देते हैं और हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसे दोबारा चेंज करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों कई कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे गूगल पे का यूपीआई पिन क्या है वो मुझे पता नहीं होता है और हम उसे भूल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको गूगल पे का यूपीआई पिन को रीसेट करना होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम बैक आएंगे तो यूपीआई पिन, देखिए किसी को भी जब आप पेमेंट करोगे गूगल पे ऐप से तो आपको यूपीआई पिन डालना ही पड़ेगा। जब तक आप यूपीआई पिन नहीं डालेंगे तब तक आप पेमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इसको यहां से हम बैक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मेरा जो है बैंक का डिटेल्स यहां पे शो हो गया है। तो आप देखिए, फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप जो है गूगल पे का अगर यूपीआई पिन आप भूल भी जाते हैं तो उसे आप फॉरगेट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, जैसे डेबिट कार्ड या आधार कार्ड, तो उसे आप डिटेल्स डाल करके यूपीआई पिन को जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा नया बना सकते हैं। चेंज करने के लिए देखिए, यहाँ पे थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो चेंज यूपीआई पिन के मतलब ये होता है कि हमें पुराना वाला याद है तो उसे हम डाल करके नया वाला बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि नया वाला किसी पर्सन को पता नहीं चलता है। और ऐसे कंडीशन में होता यह है कभी कभी कि हम यूपीआई पिन भूल ही जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको फॉरगेट यूपीआई पिन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यूपीआई पिन को फॉरगेट करके नया यूपीआई पिन आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो का कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गूगल पे का यूपीआई पिन आपको अगर चेंज करना है या उसे फॉरगेट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी बैंक अकाउंट आपके गूगल पे ऐप में लिंक होगा, ऐड होगा, वो सभी का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मेरा एक ही बैंक यहाँ पर ऐड है तो एक बैंक यहाँ पर शो हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला है डेबिट या एटीएम कार्ड और दूसरा है आधार कार्ड। आप आधार कार्ड से भी डिलीट कर सकते हैं, मतलब नया बना सकते हैं, और एटीएम कार्ड का डिटेल्स भी डाल करके आप बना सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास जो है एटीएम कार्ड अवेलेबल है तो मैं एटीएम कार्ड से ही बनाऊंगा। तो एटीएम कार्ड पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका जो लास्ट 6 डिजिट है जो एटीएम कार्ड का, उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको डेट मंथ एक्सपायरी जो डेट होता है इसका, वो आपको डाल देना है, जिस तरीका से मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपको भी क्या करना है कि यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड का जो भी डिटेल्स है, लास्ट 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसको दोस्तों आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीका से, जो कि बैंक की तरफ से ओटीपी पहले आएगा तो बैंक का ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 डिजिट यूपीआई पिन का डालने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप आधार कार्ड डालेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी मैसेज आएगा बैंक की तरफ से और आधार कार्ड की तरफ से। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ डेबिट कार्ड डाल रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मेरे बैंक की तरफ से यहाँ पर मैसेज आया है। अब लिख रहा है दोस्तों सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसमें आपको 4 डिजिट का पिन बनाने का ऑप्शन देता है, और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसमें आपको 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे देखिए, मेरे इस बैंक में जो है कोटक महिंद्रा बैंक में 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन देता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एक जो है पिन डाल देता हूँ। तो पिन पहले मैंने डाल दिया 6 डिजिट का, उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से वही पिन आपको डाल देना। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दोबारा से वही पिन। अब देखिए रीसेटिंग यूपीआई पिन यहाँ पे देखने को मिलता है और मेरा जो यूपीआई पिन है वो अपडेट हो गया कुछ इस तरीका से, और मैसेज भी यहाँ पे जो है मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया है। तो मेरा जो है नया वाला यूपीआई पिन बन गया है। अब होगा ये दोस्तों कि मैं तो पुराना वाला भूल गया था, तो नया वाला मैंने यहाँ पर बना लिया है, और पुराना वाला अगर किसी को पता भी होगा तो अब मेरे मोबाइल फ़ोन को लेकर के चाहेगा कि उसको पेमेंट वगैरह कर लेना चोरी छुपके से, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि किसी को हम बताए थे यूपीआई पिन, तो हमें मन में डाउट रहता है कि कहीं मेरे फ़ोन लेकर के पेमेंट वगैरह ना कर ले। तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करके चेंज भी कभी कभी कर लेना चाहिए, मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस बता दिया है कि गूगल पे एप्लीकेशन में आप यूपीआई पिन कैसे चेंज कर सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो से लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तक फिर मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।